हेलो एवरीवन, दिस साइड मनीष वर्मा, फाउंडर ऑफ V2 एकेडमी। आप में से कई सारे बच्चे होंगे जो अभी 12th पास आउट होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट अभी हायर एजुकेशन कर रहे होंगे, जैसे BBA कर रहे होंगे, BCA कर रहे होंगे, BTech कर रहे होंगे एवं अन्य कोर्सेज को कर रहे होंगे। चाहे आप किसी भी कोर्स को कर रहे हो, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। सो पूरी ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और मेरा यकीन मानो, ये वीडियो आप सभी के लिए लाइफ चेंजिंग हो सकती है। क्योंकि आप जिस कोर्स को कर रहे हैं, वो कोर्स कितना आपके लिए रिलेवेंट है वो आपको पता चल रहा होगा। क्योंकि आजकल कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो बीटेक करने के बाद, और बीटेक भी अच्छे इंस्टीट्यूट से करने के बाद भी उनका प्लेसमेंट नहीं हो पाता है, और उसके पीछे सिर्फ एक वजह होता है कि जो अभी इंडस्ट्री का डिमांड है वो आप पढ़ते ही नहीं है। सिर्फ वही पुराने घिसे पीटे सिलेबस, पुराने कैरिकुलम को फॉलो करते हैं, जो कि अभी इंडस्ट्री का जो डिमांड है ना, उससे कुछ लेना देना ही नहीं होता। आप किसी भी कंपनी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो कंपनी आपको क्यों रखेगा अपने पास? इसलिए रखेगा ताकि आप उस कंपनी में काम करने के लिए एबल हो, ताकि आपके पास इतनी नॉलेज हो कि अपने नॉलेज से उस कंपनी का और ज्यादा ग्रोथ करे। आप इस बात का याद रखना कि कोई भी कंपनी आपको तभी रखेगा जब आप उस कंपनी का आपके दिए हुए सैलरी से 2 से 3 गुना ज्यादा आप उसे कमा कर देंगे। और आजकल के कोर्सेज में यही प्रॉब्लम है कि जो इंडस्ट्री का डिमांड है उसे आप फुलफिल नहीं कर रहे हैं। अभी आप में से कई सारे बच्चे बीटेक कर रहे होंगे तो प्राइवेट कॉलेज से होंगे या फिर Tier 3 कॉलेज से होंगे, और अभी इंटर्नशिप वगैरह में आप बैठ भी रहे होंगे तो आपका इंटरव्यू क्वालिफाई नहीं हो पा रहा होगा, क्योंकि जो इंडस्ट्री का डिमांड है उसके अकॉर्डिंग आपने पढ़ाई करा ही नहीं। इसीलिए आप सभी के अंदर ये जो गैप है ना, उसी को फुलफिल करने के लिए IQ जॉब लेकर के आया है कई सारे कोर्सेज, जिसमें IT से रिलेटेड बहुत सारे कोर्सेज आपको प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं साइबर सिक्योरिटी, डेटा एनालिटिक्स, फुल स्टैक डेवलपमेंट, डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और अभी काफी ज्यादा डिमांड होता है कोडिंग वगैरह का। और बहुत सारे ऐसे Tier 3 कॉलेजेज या फिर प्राइवेट कॉलेजेज होते हैं, वहां पे कोडिंग नहीं सिखाई जाती, या फिर सबसे बड़ी जो माइनर डिग्री प्रोग्राम है वो आपको नहीं सिखाया जाता है। तो ये जो गैप है कि आपके अच्छे कोर्सेज करने के बाद भी वो जो कंपनी का इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पा रहे हो, तो इसी गैप को फिल करने वाला है IQ जॉब, जो कि आपको माइनर डिग्री प्रोग्राम प्रोवाइड करता है 24 क्रेडिट फ्रॉम IIT गुवाहाटी। और यहां से पढ़े हुए कई सारे बच्चों के अच्छे खासे पैकेज लगे हैं, मैं उन सभी से बात भी करके आपको दिखाऊंगा, ठीक है? बस वीडियो के साथ पूरी बने रहिएगा। यहां का एवरेज पैकेज है 7.2 लाख रुपीज पर एनम, और हाईएस्ट पैकेज है 41 लाख रुपीज पर एनम। और ये जो कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं दो तरीके से, ऑनलाइन भी इनका कोर्सेज और ऑफलाइन भी कोर्सेज है। तो जो बच्चा अभी कॉलेज में है और वो ऑनलाइन अलग से कोर्स भी करना चाहता है ताकि वो इंटरव्यू क्रैक करे, अच्छे कंपनी में जाए, प्लेसमेंट लगे। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट के बारे में मैं आपको बताऊंगा ना, जिन्होंने 3rd ईयर में ही प्लेसमेंट ले लिया और अभी वो अच्छे कंपनी में वेब डेवलपमेंट एवं बहुत सारे अच्छे पद पे हैं, ठीक है? और ऑफलाइन कहाँ कहाँ, दिल्ली में, गुड़गांव में, नोएडा में, हैदराबाद, ये चारों जगह पे सेंटर इनका है। IQ जॉब के द्वारा अब तक लगभग 1500 से ज्यादा ऐसे बच्चे हैं जिनका प्लेसमेंट हो चुका है, ठीक है? जिनमें से मैंने अभी आपको बताया कि 41 लाख रुपीज पर एनम का हाईएस्ट पैकेज है, और 450 से ज्यादा ऐसे कंपनीज हैं जहां पे बच्चों का प्लेसमेंट होता है। इनके साथ उनका पार्टनरशिप है, वो कंपनीज आते हैं, इंटरव्यू क्रैक करना पड़ता है बच्चों को, और अगर इंटरव्यू क्रैक कर लेते हैं तो उनका प्लेसमेंट डेफिनेटली होता है। और बच्चे जितने अच्छे से स्किल को सीखेंगे उनके प्लेसमेंट उतना ही ज्यादा होगा। तो ये कोर्स को सारे ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे आप कोई सा भी कोर्स कर रहे हो ना, उसके साथ में आप अलग से IT कोर्स कर सकते हो, क्योंकि अभी इसी का डिमांड है। और अगर ये स्किल सीखते हो तो डेफिनेटली आपका प्लेसमेंट होगा ही होगा। और एवरेज पैकेज के बारे में मैंने आपको बताया है। एप्लीकेशन फॉर्म आप बिल्कुल फ्री में फिल कर सकते हो, सिंपली कुछ नहीं करना, अपना नाम डालना है, फोन नंबर डाल करके अप्लाई नाउ फॉर फ्री पे क्लिक कर देना है। डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल दिए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यहां पे जिस भी स्टूडेंट का प्लेसमेंट हुआ है आप उनसे इंटरेक्ट भी कर सकते हैं, उनका लिंक्डइन अकाउंट यहां पे दिया हुआ है, आप उनसे बात कर सकते हैं। ये स्टूडेंट सतीश रामपुर है, ये पहले कर्नाटका से बीटेक किया, उसके बाद में कहीं से इनको IQ जॉब के बारे में पता चला, फिर उन्होंने ज्वाइन करा और अभी ये सॉफ्टवेयर डेवलपर है इस कंपनी के अंदर। ये भी स्टूडेंट वैसा ही है, कर्नाटका से पहले बीटेक कर रहा था बट उनको सही एक्सपोजर कॉलेज के अंदर नहीं मिल पा रहा था, तो उन्होंने सोचा कि हमें अपने स्किल्स पे काम करनी चाहिए, इसीलिए उन्होंने IQ जॉब ज्वाइन कर लिया। उसके बाद अभी देख सकते हैं कि ये सीनियर डेटा एनालिस्ट है। आगे अगर हम बात करें तो और भी कई सारे स्टूडेंट है, ये सॉफ्टवेयर डेवलपर के पद पर भी है। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे है, आपको मिल जाएंगे वेबसाइट पे रिव्यू, जिनसे आप जाकर के बात कर सकते हैं। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ बीटेक वाले बच्चे, बीटेक के अलावा आप देख सकते हैं बीसीए वाले बच्चे या फिर बीएससी वाले जो स्टूडेंट हैं, वेस्ट बंगाल का ये स्टूडेंट है, बीएससी करा है लेकिन इनका भी प्लेसमेंट हुआ है। तो आप किसी भी कोर्स से हैं, चाहे बीएससी है, बीकॉम है, बीबीए है, बीसीए है, कोई सा भी कोर्स आपने करा है, आपका भी प्लेसमेंट हो सकता है अगर आप यहां से अच्छे तरीके से स्किल्स को सीखते हैं तो। और मैंने आपको बताया कि 1500 से ज्यादा बच्चों का प्लेसमेंट इन्होंने कराया है, तो ऐसे ही नहीं, हर एक बच्चे का प्लेसमेंट रिपोर्ट, उसके साथ में उसके लिंक्डइन अकाउंट, सब कुछ आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा। डाउनलोड प्लेसमेंट रिपोर्ट पे आप क्लिक करेंगे ना,
तो यहाँ से उनका प्लेसमेंट रिपोर्ट डाउनलोड हो जाएगा। आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने डाउनलोड पे क्लिक करा, सारे बच्चों का रिपोर्ट आपके सामने आ जाएगा, किस बच्चे का कहाँ पे हुआ है और ये बच्चा किस कोर्स का है, उसका डिपार्टमेंट क्या कुछ है, कहाँ से है, सारा चीज, और उन्होंने कौन सा कोर्स करा और अभी वो किस कंपनी के अंदर प्लेसमेंट लिए हैं और अभी उनका पोजीशन क्या है, किस पद पर है, सारी चीजें आपको विद डिटेल में मिलेगा, जिससे कि आपके अच्छे तरीके से ट्रस्ट हो पाए। सारी चीजें एकदम यहाँ पे ट्रांसपेरेंट है। एक दो बच्चे ऐसे हैं जिनका प्लेसमेंट यहाँ से हुआ है, जैसे तरुण शर्मा, तो मैं इनसे बात करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये अभी सॉफ्टवेयर डेवलपर के पद पे है। हाय तरुण। हाय, हेलो। हाँ, एक्यू जॉब के बारे में आपने कहाँ से मतलब इन्फॉर्मेशन लिया था, कैसे पता चला था आपको इसके बारे में? हाँ, तो एक्चुअली हुआ क्या कि मेरा कॉलेज लाइक टियर 3 कॉलेज था, तो प्लेसमेंट उतनी अच्छी नहीं थी मेरे कॉलेजेस में, है ना। तो मेरा एक फ्रेंड है, उसने मेरे को एक्यू जॉब के बारे में सजेस्ट किया। लाइक उसने मेरे को बताया कि क्योंकि हमारे कॉलेज में इतनी अपॉर्चुनिटीज तो मिल नहीं रही है, तो उसने मेरे को सजेस्ट किया कि एक्यू जॉब एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लाइक डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज आके विजिट करती हैं और मतलब वो पढ़ाते भी आपको स्टार्टिंग से लेकर लाइक डीएससी वगैरह जिसमें भी इंटरेस्ट है। उसके बाद फिर वही वहाँ पे कंपनीज लाइक आती हैं, तो हम फिर वहाँ से अप्लाई करते हैं और मतलब प्लेस होते हैं। तो आपने क्या करा है मतलब ग्रेजुएशन में क्या करा है, मतलब बीटेक? हाँ, मैंने बीटेक किया है कंप्यूटर साइंस से। ओके, कंप्यूटर साइंस से बीटेक करा, बट टियर 3 की वजह से वहाँ पे अच्छे मतलब गाइडेंस नहीं मिल पा रही थी, इसलिए आपने इसे ज्वाइन करा, एक्यू जॉब, राइट? ठीक है, ज्वाइन कब करा था आपने मतलब कोर्सेज के लिए? मैंने ज्वाइन किया था ये लाइक नियर बाय नवंबर 22 में ज्वाइन किया था ये। ओके, कोर्सेज कितने टाइम का था मतलब? कोर्स एक्चुअली मेरा पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था, मेरा लाइक मैंने लिया था जावा फुल स्टैक का कोर्स लिया था, बट मेरा जावा के बाद जावा में मैंने डीएसए वगैरह कंप्लीट किया, तो उसके बाद ही मेरे को डायरेक्टली अपॉर्चुनिटीज मिलना स्टार्ट हो गई थी। तो लाइक 8-10 मंथ के बाद ही मतलब मैंने इंटरव्यू देना स्टार्ट कर दिया था कंपनीज में। ये प्लेटफॉर्म का मतलब कैसा सपोर्ट रहा आपको? मतलब सपोर्ट एक्चुअली काफी अच्छा ही था, क्योंकि स्टार्टिंग से ही मतलब पहले इतना आइडिया तो था नहीं मुझे, बट जब ज्वाइन किया तो टीचर्स वगैरह काफी ज्यादा सपोर्टिव थे एंड कंपनीज भी काफी ज्यादा विजिट कर रही थी, तो मतलब अच्छा ही रहा मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस। तो मतलब आपने बीटेक कंप्लीट करने के बाद मतलब ज्वाइन करा था, राइट? नहीं, मैंने ज्वाइन किया था इसको अपने थर्ड ईयर में। ओके, थर्ड ईयर में ज्वाइन करा था। हाँ, पहले से कुछ चीजें आप जान रहे थे, बाकी यहां से थोड़ा एक्सपीरियंस मिला, उसके बाद कंपनी आए तो आपने क्रैक कर लिया इंटरव्यू वगैरह, है ना? एक्चुअली भाई कि स्टार्टिंग में क्या इंटरव्यू से थोड़ा डर लगता था पहले, लाइक ऐसा प्रेशर था तो इतना आइडिया था नहीं, तो यहाँ पे आया मॉक इंटरव्यू वगैरह दिए, तो तब पता चला कि लाइक एक्चुअल कंपनीज में कैसे इंटरव्यू होता है। ये सारे मतलब मॉक इंटरव्यू भी यही लोग ऑर्गेनाइज करवाते हैं। हाँ, मॉक इंटरव्यू वगैरह सब प्लेटफॉर्म, है ना? हाँ। मतलब अभी आप कौन से कंपनी में वर्क कर रहे हो? अभी मैं इजी रिपोर्ट सॉफ्टवेयर सर्विसेज में काम कर रहा हूँ, लाइक गुड़गांव में है ये कंपनी। ठीक है, ठीक है, मतलब ठीक है, ओके, थैंक यू। यहाँ से पढ़े हुए बच्चे का काफी सारे कंपनीज आप देख सकती हैं, सारे कंपनी के अंदर प्लेसमेंट होते हैं, लगभग 450 ऐसे हायर पार्टनर्स इनके हैं। सबसे बड़ी बात की वाई एक्यू जॉब, क्यों आपको ज्वाइन करना चाहिए, तो द पोर्टल टूर, लाइव लर्निंग सेशन, हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट्स, क्विक डाउट सॉल्विंग, वीकली चैलेंजिंग कंटेंट्स। भाई अभी आप कोई सा भी कोर्स कर रहे हैं ना, आपको उसमें भी मजा आने वाला है, क्योंकि अगर आप इस तरह के कोर्स को करते हैं तो आपके साथ जो पढ़ने वाले बच्चे हैं आप उन सभी से भी काफी आगे निकल जाएंगे और जो इंडस्ट्री का एक्चुअल डिमांड है उसे आप फुलफिल कर रहे होंगे और सबसे पहले प्लेसमेंट आपके कॉलेज के अंदर आपका होगा। क्योंकि इस बात को समझना कि पूरा खेल भाई स्किल का है, कोई भी कंपनी आपको अपनी कंपनी के अंदर प्लेसमेंट देगा तो वो आपके स्किल पर ही देगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ बीटेक का एमटेक का डिग्री ले लिए और उससे आपका प्लेसमेंट हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अगर आपके अंदर स्किल है और अगर आप सच में मेहनती है, सच में डिजर्व करते हैं, तो आपका प्लेसमेंट डेफिनेटली होगा। और आपके इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक्यू जॉब लगातार काम कर रही है। बाकी कोर्सेज में जाएंगे तो यहाँ पे सारे कोर्सेज हैं और कोर्सेज के आप यहाँ पे ब्रोशर भी डाउनलोड कर सकते हैं, प्रोग्राम को भी आप देख सकते हैं कि क्या कुछ चीजें आपको प्रोवाइड किया जाएगा। 24/7 आपके डाउट सपोर्ट होंगे और सबसे बड़ी बात की जो आपके कोर्सेज के फी होंगे, एक तो आप फी जैसे पे करते हो कॉलेज के अंदर वैसे पे कर सकते हो, और दूसरा पे आफ्टर प्लेसमेंट का भी ऑप्शन आपको मिलता है। मतलब आपके प्लेसमेंट हो जाएंगे उसके बाद जो आपका पैकेज लगेगा उससे आपका फी कटेगा। तो यहाँ पे दोनों तरह के ऑप्शन आपको मिलते हैं, चाहे आप पे आफ्टर प्लेसमेंट भी सेलेक्ट कर सकते हो, और जिस बच्चों को लगता है कि नहीं अभी हम देने के लिए एवल हैं तो आप अभी भी दे सकते हैं। तो आप एक बात समझना कि कोई भी प्लेटफॉर्म इतने जोखिम लेकर आपको चीजों को सिखा रहे हैं वो फुल कॉन्फिडेंस के साथ में कि अगर आप हमारे साथ मेहनत करते हैं तो आपका प्लेसमेंट होगा ही होगा। तो ऐसे प्लेटफॉर्म पे आपको बिल्कुल ट्रस्ट करना चाहिए। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट सवाल होता है कि आखिर इतने ज्यादा बच्चों का प्लेसमेंट क्यों होता है, क्योंकि ये हर एक कोर्स को बहुत बेसिक से एडवांस तक आपको लेकर के जाते हैं। मतलब वैसा बच्चा जो आईटी से रिलेटेड नहीं है वो भी यहाँ पे बहुत अच्छे से सीख सकता है, पूरा बेसिक टू एडवांस सीख सकता है। और यहाँ के फैकल्टी काफी सपोर्टिव है। अगर हम इनमें से एक जो आपके ऑनलाइन प्रोग्राम है
उसका अगर हम प्रोग्राम दिखाएं, सारे का प्रोग्राम आप डाउनलोड कर सकते हैं कि क्या क्या किस कोर्स के अंदर पढ़ाया जाएगा। तो अगर हम ऑनलाइन कोर्स के बारे में समझे तो लर्न फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट, जिसमें जावा फुल स्टैक है और भी कई सारे कोर्सेज यहाँ पे है, उसकी जो ड्यूरेशन है वो 8-8 महीने का है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या कुछ है वो भी यहाँ पे लिखा गया है और अगला बैच कब से आ रहा है वो सारी चीज यहाँ पे मिल जाएगी। साथ ही यहाँ पे ब्रोशर भी आपको मिल जाएगा। तो आपको जो भी कोर्स करना है उसके ब्रोशर में जाकर के आप उसके बारे में और भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और यहाँ पे जो कोर्सेज आपको करवाए जाएंगे, मोस्ट ऑफ दी अच्छे फैकल्टी जो किसी ना किसी कंपनी के अंदर ऑलरेडी काम कर चुके हैं, जो IITs से हैं, जो अच्छे बड़े इंस्टीट्यूट से हैं, IIM से हैं, और कई सारे लोग अच्छे बड़े कंपनी में Adobe के अंदर काम कर चुके हैं, Google के अंदर काम कर चुके हैं, उसके बाद में बहुत सारे जो बड़े बड़े कंपनीज के अंदर काम कर चुके हैं वो आपको यहाँ पे स्किल सिखाएंगे। आप देख सकते हैं जो आपके फैकल्टी हैं वो Amazon से हैं, बिट्स पिलानी से पढ़े हुए हैं, NIT अगरतला से हैं, Microsoft में काम कर चुके हैं, गूगल में काम कर चुके हैं, और इनके जो कैरिकुलम है ना वो अप्रूव्ड हैं ENICT IIT गुवाहाटी से। और दूसरी बड़ी बात कि आप अगर ये कोर्स को करते हैं तो आपको IIT गुवाहाटी के कैंपस का भी एक्सेस मिल जाएगा, एक आपको कार्ड मिलेगा जिससे कि कोई भी फेस्ट में आप IIT गुवाहाटी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कोई सा भी इवेंट होगा आपको इनवाइट किया जाएगा, मतलब कह सकते हो कि आप IIT गुवाहाटी के मेंबर बन जाओगे। मास्टर क्लास फ्रॉम IIT फैकल्टी, तो सभी कोर्सेज का डिटेल्स आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा। आप देख सकते हैं कि क्विज कोर्स के अंदर आपको क्या कुछ चीजें प्रोवाइड किया जाएगा। इसमें जो ऑनलाइन प्रोग्राम होगा उसमें पे आफ्टर प्लेसमेंट का भी ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो देखो, अगर आप 12th पास आउट हैं, हायर एजुकेशन कर रहे हैं, स्किल्स को सीखना चाहते हैं, सच में प्लेसमेंट लेना चाहते हैं, तो आपको इस प्लेटफॉर्म को जरूर ज्वाइन करना चाहिए। लिंक हम डिस्क्रिप्शन और कमेंट के सबसे टॉप पे डाल रहे हैं। फॉर्म फिलिंग एकदम बिल्कुल फ्री है, जाइए अभी जाकर के आप लोग फॉर्म को फिल करिए, वहां के लोगों से बात करिए जिन्होंने ऑलरेडी प्लेसमेंट किया है, आप उनसे बात करिए। सारे लोगों का लिंक्डइन अकाउंट यहां पे आपको मिल जाएगा। और फॉर्म को फिल करना बहुत ईजी है, बिल्कुल फ्री है, सिंपली आपको नाम डालना है, फोन नंबर डालना है, अप्लाई एंड ऑफर फ्री कर देना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिए हैं, जाकर के अभी फिल कर सकते हैं। और बाकी कोई डाउट होगा तो यहीं पे वेबसाइट पे ही आपको रिक्वेस्ट अ कॉल बैक का ऑप्शन मिल जाएगा, फिर क्लिक करके आप अपना रिक्वेस्ट को रेज कर सकते हैं जिससे कि आपके पास तुरंत कॉल आ जाए, है ना। अब हम एक नेक्स्ट स्टूडेंट से बात करते हैं, सौरभ मजूमदार अभी हमारे साथ में है। IQ जॉब से ही पढ़े हैं लेकिन अभी अच्छे कंपनी में काम कर रहे हैं और अभी इनका पैकेज भी काफी अच्छा खासा है, ठीक है। तो चलिए हम सौरभ मजूमदार से उनके बारे में समझते हैं। हाँ, तो मैं 2019 पास आउट हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग फ्रॉम UEM कोलकाता। मैं कोलकाता वेस्ट बंगाल से हूँ। और सो आफ्टर कॉलेज मेरा प्लेसमेंट हुआ सेल्स में, मैं सेल्स में काम करता रहा फॉर अराउंड 3-4 ईयर्स। और उसके बाद जाके जब मुझे समझ में आया कि मैं करियर ट्रांजिशन करना चाहता हूँ इन द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, तब जाके मैंने IQ जॉब ज्वाइन करा इन द ईयर 2023 फरवरी। अच्छा, अगला कि आपको IQ जॉब के बारे में पता कहाँ से चला, कैसे आपको पता चला कि हाँ एक IQ जॉब ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कोडिंग सिखाती है, स्किल्स सिखाती है? यस, सो क्योंकि मैं सेल्स में था, एडुकेशन टेक्नोलॉजी सेल्स में था, तो मेरे ही कुछ कलीग्स थे जो बाद में जाके IQ जॉब में एज अ जॉब कर रहे थे। और इसके अलावा भी जब मैं ढूंढ रहा था सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की कंपनीज, तो बहुत सारी कंपनीज आई गूगल में और मैंने बाकी सारे कंपनीज के साथ भी बात किया है, बहुत सारे कंपनीज के साथ मैंने बात किया है और उसमें IQ जॉब को मैंने सिलेक्ट किया क्योंकि मैंने रिसर्च करके मुझे अच्छा लगा। बेसिकली इनका जॉब गारंटीड प्रोग्राम था, फीस भी थोड़ा सा कम था दूसरे प्लेटफॉर्म्स के कंपेरिजन में, और बहुत ट्रांसपेरेंट था, मतलब इनके फाउंडर्स जो है कैसे है क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे, बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस वगैरह सोशल मीडिया में मुझे ट्रांसपेरेंट लगा बहुत, इसलिए मैंने भरोसा किया IQ जॉब के ऊपर। अच्छा, आपने यहाँ से पढ़ाई करा है तो आपका IQ जॉब को लेकर कैसा फीडबैक है, आप क्या समझे, आपने इतने दिन तक पढ़ाई करा तो आपको कैसा ये प्लेटफॉर्म लगा, किस तरीके से आपको इन्होंने हेल्प किया, वो जरा बच्चों को बता दें। यस, टीचर्स तो डेफिनेटली बहुत अच्छा है, इसीलिए मैं सब कुछ अच्छे से सीख पाया और मेरा इंटरव्यू क्रैक कर पाया। टीचर्स हमारे जितने भी टीचर्स थे सभी लोग बहुत ही एक्सपीरियंस्ड और काफ़ी अच्छे से और काफ़ी स्लोली समझाया और सभी लोगों के डाउट्स क्लियर भी किए क्लास के दौरान, जो लोग डाउट्स पूछते थे सब लोगों के डाउट्स क्लियर भी किए, तो टीचिंग तो बहुत अच्छा था बेसिकली। ठीक है, ये अपने पढ़ाई के बारे में, टीचर्स के बारे में बता दिया। अगर हम प्लेसमेंट की बात करें तो इस प्लेटफॉर्म का कितना रोल है प्लेसमेंट में, कैसा आप रेटिंग देंगे, क्या कुछ चीज़ें थी? सो प्लेसमेंट स्पेसिफिकली हेल्प ये मिली कि प्रोजेक्ट्स हम लोगों से बनवाया गया बहुत अच्छे से, जो फ्रेमवर्क होते हैं बैकएंड के, जो फ्रेमवर्क होते हैं स्प्रिंग बूट, वो बहुत बहुत फंडामेंटली बहुत कंसेप्ट क्लियर करके हम लोगों को इजी तरीके से, इंटरेस्टिंग तरीके से सिखाया गया,
सिखाने के बाद बहुत सारा प्रोजेक्ट करवाया गया मेंटर के तरफ से, और फिर हमें बहुत सारा असाइनमेंट्स दिया गया प्रोजेक्ट्स करने से। तो वो असाइनमेंट्स करते करते हमारे प्रोजेक्ट्स करने मतलब खुद हमने खुद के बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाए जो हमने गिटहब पे अपलोड किए, और वो प्रोजेक्ट हम अपने रिज्यूमे पे डाले जो बाद में हमारे इंटरव्यूज पे देखे हमारे इंटरव्यूअर्स। और दूसरी बात अपॉर्चुनिटीज भी, मतलब जब से मैं एलिजिबल हुआ प्लेसमेंट के लिए उसके बाद से अपॉर्चुनिटीज आते रहते थे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये हुआ कि थ्रू आउट माई जर्नी ऑफ वन ईयर हर महीने इनके मॉक इंटरव्यूज रहते थे। तो ये मॉक इंटरव्यूज बेसिकली एग्जैक्टली जैसा आपका एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर इंटरव्यू होगा आगे जाके, वैसा ही एक मॉक इंटरव्यू होता था। तो इतने सारे मैंने मॉक इंटरव्यूज दिए एक साल में, सबको देना ही पड़ेगा हर मॉक क्लियर करने के लिए। तो इससे मेरा बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ गया और मैं मतलब प्रिपेयर्ड था कि इंटरव्यू कैसे होता है, कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या क्या चैलेंजेस में फेस कर सकता हूँ, ये सब मेरे पास ऑलरेडी मेरे बहुत क्लियर था इसको लेके। और नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट सवाल कि आप किस कंपनी में अभी काम कर रहे हो और इसके पहले आपको कितने कंपनीज के इंटरव्यू में बैठने का मौका मिला? एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट देखिए, मैं क्योंकि मुझे एक हाई पेइंग जॉब का ही रिक्वायरमेंट था, बिकॉज एज यू नो कि मैं 4-5 साल से ऑलरेडी जॉब कर रहा था, तो इसलिए मैं वेट कर रहा था कुछ ऐसी कंपनीज का जिसमें प्लेसमेंट मतलब पैकेजेस थोड़ा सा हाई हो। इसके लिए इससे पहले ज़्यादा कुछ शायद एक ही कंपनी में मैंने अप्लाई किया था, उस कंपनी में मेरा शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ था रिज्यूम में, बिकॉज शायद उनको पाइथन चाहिए था ऐसे कुछ चाहिए था। तो इंटरव्यू मैंने दिया है या फिर मतलब अच्छे तरीके से बैठा है वो एक ही कंपनी है जिसमें मेरा जॉब हुआ है, वो है स्मार्श, जहाँ पे मैं अभी प्लेस्ड हूँ, जहाँ पे अभी मैं जॉब कर रहा हूँ बैंगलोर में। पैकेज था 14.3 LPA। ओके, थैंक यू सौरभ, थैंक्स जुड़ने के लिए। तो यार इस प्लेटफॉर्म के बारे में मैंने आपको सारी चीज़ें बताई है, कई सारे बच्चों से बातचीत करके भी आपको बताया है, बाकी और भी जो डिटेल थी मैंने आपको बताने का पूरा प्रयास किया है। अगर कुछ डाउट बचता है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। साथ ही जितने भी लोग अभी 12th पास आउट हैं, फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में है, थर्ड ईयर में है, चाहे कोई सा भी स्ट्रीम के अंदर हो, चाहे BSc हो, BCom हो, BBA हो, BCA हो, BA हो, कोई सा भी कोर्स अगर आप कर रहे हैं तो आपके लिए ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो सकता है, क्योंकि आने वाला टाइम भाई IT ही है। जो भी लोग IT से जुड़े रहेंगे वही लोग आगे अपने लाइफ में काफी अच्छा करेंगे। तो सभी लोग जितने भी लोग देख रहे हैं डिस्क्रिप्शन में जाओ, इसको ज्वाइन करने के लिए फॉर्म का लिंक तो डाल ही दिया है जो कि बिल्कुल फ्री है, जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही इनके टीम से भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, और जैसे ही फॉर्म को फिल करेंगे ना इनके टीम के द्वारा कॉल आपको आ जाएगा, वो डायरेक्टली आपसे कनेक्ट कर लेंगे। और साथ ही वेबसाइट के थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहीं पे आपको रिक्वेस्ट अ कॉल बैक का भी ऑप्शन मिल जाता है, इसका भी फायदा आप लोग उठा सकते हैं। तो जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी जाकर के चेकआउट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।